जय हिंद ऑल ऑफ यू सभी को जितने भी हमारी वीडियो देख रहे हैं। आज भाई मैं आप सभी को ऐसे बात बताने वाला हूं जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप लोग पता कर सकते हो कि आपके आपके आधार नंबर से कितने सिम चल रही हैं, ठीक है, नहीं तो आप सभी को बहुत भारी नुकसान होगा। जितने भी ये लोग सिम पोर्ट करा रहे हैं तत्काल ये रुक जाएं और सावधानी तरीके से अपना सिम पोर्ट कराएं, ठीक है। बहुत से जब से वीआई एयरटेल जियो का रेट बढ़ा है, जब रिचार्ज का रेट बढ़ा है जब से, तब से बहुत से लोग क्या है बीएसएनएल की ओर सिम पोर्ट कराने लगे हैं, ठीक है। बीएसएनएल की बात नहीं करें तो ही अच्छा है। आप लोग जिस भी कंपनी में अपना सिम पोर्ट करा रहे हैं उन लोगों के लिए, उन लोगों के साथ बहुत बड़ा स्पैम चल रहा अभी, ठीक है, जिससे आप सभी को पता भी नहीं होगा। जैसे कि मैं आप सभी को एक बात बता दूं, ठीक है, जो चीज जितना लाभदायक होता है उतना हानिकारक भी होता है, ठीक है, चाहे आप कोई भी चीज ले लो, ठीक है। जब से गैस आया खाना बनाने में आसानी हुआ, लेकिन ब्लास्ट हुआ तो ये भी बहुत भारी नुकसान है, ठीक है। ऐसे ही हमारा सिम भी है। अब सिम के साथ ऐसी क्या घटना घट गई जो मैं ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं अपने माता बहन भाई जो भी है गाँव के हित दोस्त में ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना एक इंसानियत के नाते, ठीक है, जो कि मैं इस वीडियो में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। देखिए आप लोग क्या जब भी अपना सिम पोर्ट कराने जाते हो आधार कार्ड और आपका फिंगरप्रिंट लगता है, और जो ये गांव में लोग घूम रहे हैं और सड़क पे कुछ लोग छत लेकर खड़े हैं आपके सिम पोर्ट करने के लिए, ये आपके साथ बहुत ही गलत स्पैम कर रहे हैं जिससे आप सभी का भारी नुकसान होगा, आप सभी को जेल भी जाना पड़ सकता। अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं आइए आप सभी को समझाता हूं। मैं आप सभी के लिए आऊं ट्रेवकॉफ वेबसाइट जो आपको बताएगा आपके आधार से कितनी सिम अभी चल रही है, ठीक है। क्या होता है जब भी हम लोग अपना आधार अपना सिम पोर्ट कराते हैं तो अपना आधार कार्ड और अपना फिंगरप्रिंट लगाते हैं, और जो ये गांव में कुछ लोग घूम के सिम पोर्ट कर रहे हैं वो क्या होता है आपके आईडी से आपके आधार कार्ड और फिंगर से दो सिम निकालेंगे और आपको देंगे सिर्फ एक सिम, और आप सभी को भनक भी नहीं लगेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ठीक है। आप सभी लोग तो समझोगे मैंने अपना सिम पोर्ट कराया और एक सिम ले लिया हमने, ठीक है, और आपके साथ ये नहीं पता चलेगा उन लोगों ने दो सिम निकाल लिया। ये स्पैम बहुत तेजी से चल रहा है। जब से जियो एयरटेल वीआई का रिचार्ज का रेट बढ़ा है तब से क्या बहुत लोग सिम पोर्ट कराने लगे हैं, ठीक है, और कुछ ही दिनों में कुछ लाख लोग सिम पोर्ट करा चुके हैं। इसी के साथ साथ ये स्पैम भी बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे कि आप सभी के लिए मैं लाया हूं एक वेबसाइट जो आपको बताएगा आधार कार्ड से आपकी कितनी सिमें चल रही हैं, और आप लोग वहां से अपना सिम पे रिपोर्ट करके बंद भी करा सकते हो, ठीक है। तो वीडियो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो से जुड़े रहिएगा, ठीक है। जब आप लोग एक सिम ले लेते हो और दूसरा सिम वो क्या करेगा किसी से ले जाकर, ठीक है, कोई भी बहुत आप बताइए आपको बिना प्रूफ का सिम दिया जाए तो आप नहीं लोगे, ठीक है, बहुत से बच्चे नहीं लेंगे, लेकिन जो लाल पियर के साथ लगे रहते हैं, ठीक है, इस उम्र में, ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो लाल पियर के साथ लगे होते हैं, ठीक है, मतलब कहीं बात उत करना है कुछ गलत काम करना है तो उसको क्या उन लोग को बिना प्रूफ वाला सिम चाहिए भैया, कितना भी पैसा देने के तैयार हो जाएंगे। जो सिम 400-500 मतलब जो सिम 100-150 में निकल जाता है 30-40 में निकल जाता है बोलेंगे सर 500 ले लीजिए 1000 ले लीजिए हमको बिना प्रूफ वाला सिम दे दीजिए। अब ये भाई उनको दे देंगे क्योंकि इनको पैसा कमाना है, ठीक है, तो भाई जब उनको दे दिए तो उसमें प्रूफ आपका है। अब वो बंदा क्या कर रहा है उससे आप सभी को कोई मतलब नहीं मिलेगा, कोई भनक नहीं लगेगा वो क्या कर रहा है, और आगे चल के अन्यथा कोई गलत काम कर दिया तो उस नंबर पे तुरंत आप सभी का प्रूफ आएगा और आप सभी को भारी नुकसान होगा। तो इससे बचने के लिए आप सभी को क्या करना है आइए मैं आप सभी को बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं ऑफिशियल स्टोर से आप लोग सिम खरीदिए जो वहां पे कंपनियां की सिम लगी होती है कंपनी, ठीक है, जो वहां पे किसी के पास नहीं जाते, आपको वहां पे खुद जाना पड़ता है और हमें ये सिम चाहिए आप सभी को वहां से लेना पड़ता है, ठीक है। तो तब तक आप लोग इन जो गांव में घूम रहे हैं कुछ छपरी लोग इनसे सिम मत पोर्ट कराइए। जितने भी हमारे भोले भाले गाँव के लोग हैं ये लोग तो बहुत ज्यादा इस स्पैम में फंस रहे हैं, और जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जो ये मेरा ये चैनल है, मैं सबसे पहले बता दूं मेरा चैनल है ये एनसीसी वालों के लिए, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग इसी में फंसो और आप सभी की भर्ती के समय कुछ आप सभी को दिक्कत हो। जैसा कि आप सभी को पता होगा जब आप सभी अभी इससे मैं पुलिस वेरिफिकेशन 100% कर दिया गया है, अगर आप लोग इस स्पैम में फंस जाते हो तो आप सभी का जो नाम है आपके पुलिस वाहिनी की चौकी थाने पे चला जाएगा जिससे आप सभी को बहुत दिक्कत होगा भर्ती के समय, ठीक है। और जिन जो लोग भर्ती नहीं देख रहे हैं उन लोगों के साथ भी ये बहुत गलत हो सकता है। तो आप सभी को चेक कैसे करना है कि आप सभी के आधार से कितने सिमें चल रही हैं अभी सब, ठीक है। मैं एक लाया मैं नहीं लाया हूं मतलब एक वेबसाइट है, ठीक है, ट्रेवकॉफ,
ट्रैबकॉप एक वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप गूगल पे या क्रोम पे सर्च करते हो ट्रैबकॉप, तो वहाँ पे एक वेबसाइट खुल जाएगी जिसमें आप सभी की पहली वाली वेबसाइट है, उस पर आप सभी को क्लिक करना है और उसी के साथ साथ आप सभी को अपना 10 अंक वाला नंबर डालना होगा, ठीक है, जो आपका मोबाइल नंबर है, आप जिससे जो चला रहे हैं उस पर ओटीपी आएगा, वही नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आएगा, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, उसको कॉपी करना है। उसके बाद ओटीपी आप लोग वेरीफाई करोगे तो एक ओटीपी आएगी, सेंड ओटीपी करोगे तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी गिरेगा, वो ओटीपी वहां पे डालना है। उसके बाद वो लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन होने के बाद अपना फिर से नंबर डालना है, ठीक है। तो आप सभी के आधार कार्ड से जितनी भी नंबर रहेंगी यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, स्क्रीन पे आप सभी के आ जाएगा। अब जो भी आप सभी के आधार से जितने भी सिम लॉगिन रहेंगी आ जाएगी। अब आप सभी को ये देखना है कौन सा सिम आप चला रहे हो और कौन सा नहीं चला रहे हो। जिसपे नहीं चला रहे हो उसपे, ठीक है, बगल में दिया होगा कि मैं ये सिम नहीं यूज कर रहा हूं, उस पर क्लिक करके आप लोग रिपोर्ट करोगे। रिपोर्ट करने के बाद आप सभी को कुछ टाइम दिया जाएगा, जैसे कि मेरे साथ ये खुद इस पे हुआ, मैं एक सिम चला रहा था और जैसे मैंने ये वेबसाइट यूज किया हमको दूसरा सिम में दिखा, ठीक है, तो हम तुरंत रिपोर्ट किया और हमको टाइम मिला कि 12 आवर्स बाद आप सभी का आपका रिपोर्ट जो आप जिस पे रिपोर्ट किए हैं 12 आवर्स बाद वो सिम बंद हो जाएगा। तो हमारे साथ साथ मैं देखिए एनसीसी कैडेटों को पढ़ाने की काम करता हूं, लेकिन आज क्या हुआ, जब मेरे साथ गलत हुआ, जब मेरे साथ गलत हो सकता है तो आपके साथ गलत क्यों नहीं। तो भाई एक इंसानियत के नाते इस वीडियो के सभी सभी के पास शेयर करना और सभी को अच्छे खासे नॉलेज देना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भाई गांव के पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, जो हमारे स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, अपने फैमिली मेंबर को ये जरूर बताएं, ठीक है।